सल्तनत 15 अप्रैल से पीर से जुमा शब 9 बजे। जैन कितना अच्छा लड़का है, इतने खुले दिमाग का, इतना समझदार। मैंने उसको सब कुछ बता दिया, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये होता है एक मैच्योर इंसान। थैंक यू सारा, मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझे माफ करोगी। तुम्हें माफ करना आसान नहीं था मेरे लिए, आई अंडरस्टैंड। लेकिन फिर सोचा कि शादी के बाद अमेरिका चली जाऊंगी, तो पता नहीं कब मुलाकात हो भी, या शायद कभी ना हो। तो हमारा जो ताल्लुक था ना, उसके खातिर मुझे लगा कि माफ करना ही बेहतर है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। और वैसे भी मुझे अब्बा ने समझाया कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, इसलिए बातों का बोझ लेकर घूमना सरासर बेवकूफी है। सारा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हटा दिया। मैं तो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। प्रोजेक्ट इतना अच्छा चल रहा, सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, मेरी तारीफें कर रहे हैं, मुझे मुझे मजा नहीं आ रहा। तो दादा जाने तुमसे बातचीत शुरू की? नहीं, वो तब से ही नाराज, से बात ही नहीं करते, जो बात होती है इनडायरेक्टली कहते हैं। अम्मा अब्बा के थ्रू अस्सलाम वालेकुम दाजान। वालेकुम सलाम, नीति रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। कैसे हैं आप? मैं वैसे ही हूँ, खुश बाश। क्या बात है, आज कार्टून नहीं देख रहे? बेटा कार्टूनों से अब दिल लुचाट सा हो गया है। क्या हो गया दादा जान, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक। अच्छा तो ये बताएं कि जैन कैसा लगा आपको? जैन शरीफ नेक खानदानी लड़का। आपको कैसे पता कि वो शरीफ और नेक है? बेटा एक उम्र गुजारी है इंसानों के दरमियान, जैन अच्छा लड़का है, बस दुआ ये है कि तुम्हारे नसीब के लिए अच्छा हो। आमीन। खैर मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई थी। बोलो। साद, साद, दादा जान इसको प्लीज माफ कर दे, मैंने भी माफ कर दिया। तुमने इसे माफ कर दिया होगा लेकिन मैं इसे माफ नहीं कर सकता। दादा जान साथ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इसको आपकी दुआओं और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है तो फिर ये अखबार छुप छुप कर पढ़ के खुश क्यों हो रहे थे? मैं
दादा जान, आप मुझसे नाराज हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मुझे माफ कर देना। थोड़ी सी यखनी पी ले। मुझे नहीं पीनी, दादी ने भिजवाई है। तो तुम पी लो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? देखिए, आप खाएं पिएंगी नहीं तो आप ठीक कैसे होंगी? तुम्हें मेरी इस कदर फिक्र क्यों हो रही है? कह दिया ना यखनी नहीं पीनी, ले जाओ इसे। हाय अल्लाह, आप तो बहुत गुस्से में। चले, मैं आपका मूड ठीक करने के लिए ना आपको अपनी पहली नज़म में से चंद अशआर सुनाती हूँ। और वो नज़म जो है वो मैंने अपने और जानी की मोहब्बत में लिखी थी। अर्ज किया है, करेंगे शादी मैं और तू, जो ना माने फिटे मुँह, खुशियाँ होंगी चारों सू, जलने वालों का किटे मुँह। किस कदर अहमकाना, आमियाना और घटिया शायरी है तुम्हारी। तुम्हारे फजूल अशार सुन के तो एक अच्छे खासे इंसान के दिमाग में बड़े बड़े सुराख हो जाएं। इतनी फजूल शायरी और यखनी उठा के दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले यहां से। लेकिन चुल्लू भर यखनी में डूब मरो। देख रही हो? अरे क्या हुआ नाजिया, क्यों रो रही हो? संजीदा खाना ने यखनी नहीं पी। ओहो, तो इसमें रोने की क्या बात है? अरे मैं इसलिए थोड़ी रो रही हूँ। तो फिर क्यों रो रही हो? उन्होंने मेरी शायरी को आमियाना और घटिया बोला है। खैर, ऐसा कोई गलत भी नहीं कहा उसने। अम्मा जान, लाओ ये यखनी मुझे दो और तुम रोना बंद करो। उसके कहने से तुम्हारी शायरी घटिया नहीं हो जाएगी। हाँ वो तो पहले से ही है। चेहरा ठीक करो अपना। देखो संजीदा, मैं नाजिया नहीं हूं जो तुम मेरे सामने नखरे दिखाओगी। हैं, ये यखनी मैंने खुद बनाई है तुम्हारे लिए, पीनी तो पड़ेगी। मुझे यखनी नहीं पसंद। यहाँ पसंद ना पसंद की बात हो ही नहीं रही। जब तक तुम यखनी नहीं पियोगी दर्द कम नहीं होगा। मुझे यखनी की स्मेल नहीं पसंद। देखो संजीदा, ये बच्चों वाले बहाने मेरे साथ नहीं करना, एक सांस में पी जाओ। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? क्या मतलब फिक्र क्यों है? बताओ ना, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम जल्द अज जल्द ठीक हो जाओ, ताकि मेरी अगली शूट पे भी ना तुम ही मेरा मेकअप करो। अच्छा, तारीफ का एक लफ्ज नहीं बोलना और काम भी मुझसे ही करवाना है। देखो संजीदा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम दूसरों से सारा वक्त तारीफों की भीख मांगती फिरो। ये बहुत गंदी आदत है। सच्चा आर्टिस्ट जो होता है ना, वो उसका काम खुद बोलता है, वो भीख नहीं मांगता फिरता। अब जल्दी से ये यखनी पियो, क्योंकि तुम्हें ना इसके बाद दवाई भी लेनी है। चल शाबाश। मुझे नहीं पीने। देखो संजीदा, तुमने अब तक मेरा गुस्सा नहीं देखा, मजबूर मत करना कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती पर उतर आऊं। पियो।
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तुमने तो माफ कर दिया है, काश दादाजी भी कर देते. तुम ऑफिस जा रही हो, मैं छोड़ देता हूँ. नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है. सारा तकलीफ मत करो, बैठो चलो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्या मैं लेट हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. वो असल में मैं और जैन नाश्ते पे जा रहे हैं ना, तो ये ड्रॉप कर देगा मुझे. ओके बड़ी, सी यू. चले चले. हलवा, ऐसी हलवा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती. जाहिर है लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए दुनिया में, ये तेल घी में भरी पूरियां हमारे यहाँ खाई जाती हैं, बता रही हूँ. क्या? ओह सॉरी, मेरी आदत है. आई विल ट्राई टू चेंज. इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे अच्छा लगा. मैं बता रहा हूँ, वैसे इस एक पूरी में कितनी कैलोरीज होंगी? मेरी जिंदगी का बस एक फलसफा, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर कैलोरी. वाह, तो फिर इतने फिट कैसे? क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो टाइप के लोग होते हैं, एक फिट और दूसरे फिटे मुंह. और मैं फिट रहना प्रेफर करता हूँ. लफ्जों से खूब खेलना जानते हैं आप. पूरी भी है, फिलोसोफर भी है, और स्टैंड अप कॉमेडियन भी. एक अच्छा हस्बैंड बनने की सारी खूबियां. You have a beautiful smile. Thank you. If you don't mind, तो हमारी एक साथ जो तस्वीर है, क्या वो मैं अपने Instagram पे post कर सकता हूँ? मेरी तुम्हारे साथ कौन सी तस्वीर है? और हमने कब ली? हमने नहीं ली. चलो, इसमें क्या बात है? हम अभी ले लेते हैं. एक सेकंड. Say cheese. Cheese. ये देखो. Cute. I like it. Hey, puri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. यूनिफॉर्म चेंज कर लो, फिर खाना खा लो. तुम्हारी पसंद का खाना बना हुआ है आज? अच्छा, खाता हूँ. मुझे बताएं कि मेरे कुछ दोस्त आएंगे पढ़ाई के लिए घर पे, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं बेटे, हमें क्या मसला हो सकता है? नहीं, हम चाहते हैं बस तुम किसी तरह पढ़ लो. फिर भी मैंने सोचा ना कि घर वालों से इजाजत तो लेनी चाहिए ना. जानी, ये बताओ, तुमने संजीदा की खैरियत पूछी? नहीं. क्यों? टाइम नहीं था मेरे पास. क्या बात हुई? राहु तुम्हारी सगी माँ है, बीमार है, बिस्तर पे पड़ी हुई है, उन्हें पूछा भी नहीं? उनका रवैया नाजिया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है. ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम बस बेटा होने का फर्ज अदा करो, उसके पास जाके बैठो, उसकी खैरियत पूछो. चलो जाओ देख लो. ठीक है, आपके लिए जा रहा हूँ सिर्फ. क्यों बुरा लग रहा? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो. अभी स्कूल से आए हो? जी. बताओ, कोई काम है? नहीं, वो आपकी तबीयत पूछने आया था. अब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. अब दर्द तो नहीं हो रहा? मेरे जानी बेटे ने पूछ लिया,
समझो दर्द खत्म हो गया। वो नाजिया बता रही थी कि आप कुछ खा पी नहीं रही। बस ये तो नाजिया की फितरत में इधर की बात उधर लगाना। ऐसा कुछ नहीं है, आपके भले के लिए कह रही थी। मुझे नहीं करवाना उस नाजिया से अपना भला। मेरे अच्छे भले बेटे को बसा के उसे शादी कर लिया। बस ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैंने कपड़े चेंज करने हैं। जानी बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम खास तौर पे मेरी तबीयत पूछने आए। आपकी सौतन के कहने पे आया था। लीजिए मैडम, आपका स्टेशन आ गया। आई होप आप अपने ऑफिस के लिए लेट नहीं हुई। नहीं नहीं, मैंने उनको मैसेज कर दिया था कि मैं लेट ही आऊंगी। गुड, इट वाज नाइस मीटिंग यू। वैसे हमारी ऐसे पहली मुलाकात थी, मुझे आपके लिए फूल लाने चाहिए था। फूल तो मुझे बहुत पसंद है। नहीं खैर, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। अगर यहाँ पे मैं तुम्हें एक गुलदस्ते के साथ रुखसत करता ना, तो बहुत बेहतर होता। अब तो आपने चांस मिस कर दिया। नेक्स्ट टाइम से। No, but next time will not be the first time. That's the problem. Okay. पहली मुलाकात हमेशा याद रहती है। अगर यही बात है तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मुझे हलवा पूरी वाला नाश्ता जिंदगी भर याद रहेगा। चलें, फिर ठीक है। Okay. खुदा हाफिज़। ये क्या था? ये आपके लिए सरप्राइज था। कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू। यू आर वेलकम। ऑलराइट, नाउ यू हैव अ ग्रेट डे। ओके, यू टू। ऑलराइट, आई विल टॉक टू यू लेटर। बाय बाय। अच्छा नाजिया, तो तुम्हें बताना भूल गया कि मेरे दोस्त घर आएंगे पढ़ाई के लिए। शादी से पहले भी आते थे। वही दोस्त जिन्होंने शादी पे डांस भी किया था, वही सब आएंगे। नाजो, सब खैरियत है? नहीं जानी। क्या हुआ? शादी के बाद लड़कियां अपने घर जाती हैं और मैं ना एक भी दफा नहीं गई। मुझे घर बहुत याद आ रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा घर याद आ रहा है? नीचे तो रहती थी, ये वाला घर याद आ रहा है या तुम्हारी अम्मी जो गुजरांवाला में रहती है वो वाला घर याद आ रहा है? अरे वो वाला घर तो मुझे याद भी नहीं है, मैं तो नीचे वाले घर की बात कर रही हूँ। पता है बीना खाला मुझे इतना डांटती थी, वो बातें सुनाने का तो कोई मौका हाथ से ही नहीं जाने देती थी। लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, बड़ा ख्याल करती थी मेरा, लेकिन कभी शू नहीं करती थी। पता है एक दफा ना उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कभी उन्हें बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन फिर अगले ही दिन सालन में नमक तेज होने की वजह से उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई कि मैं क्या बताऊं। लेकिन नाजो, माएं तो अपनी बेटियों को डांटती है ना। दादाजी भी बहुत अच्छे हैं। पता है जब भी बीना खाला मुझे डांटती थी ना, वो हमेशा मेरी तरफदारी करते थे। हालांकि दादाजी को सारी मीठी चीजें बीना खाला तो खुद बना बना कर देती थी और वो दोनों अयाज साहब से छुप छुप के खाते थे। जब भी अयाज साहब को पता चल जाता था तो घर में तो इतना शोर होता था कि बस ना ही पूछो। नाजो,
मुझे लगता है कि तुम्हें अपना घर बहुत याद आ रहा है। एक आइडिया है मेरे पास। अरे वाह, ये तो एक और बड़ी खुशखबरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब तू तो खुश है ना? जाहिर है, इतनी बड़ी कंपनी है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा होगा आगे जाकर। देखो बेटा, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसे बाहर निकालने का वक्त आ गया है, और ये तो भी शुरुआत है, इससे बड़ी बड़ी ऑफर्स आएंगी, देखना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तू देखी मेरी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, तू बड़ा ऑफिसर बन जाएगा भाई, कितना मजा आएगा। दादाजी, एक गुड न्यूज है। मैंने सुन लिया था, इसलिए फ्रिज में से ये मिठाई निकाल कर आया हूं। ये असल में फ्रिज में पड़ी पड़ी अकड़ गई थी। है भाई, बहुत मुबारक हो, गले लगो और जीते रहो भाई। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को करो। अब चलो, सबसे पहले मिठाई तुम खाओगे। फौरन खा ली। वाह भाई, बनती भी है। नदीदे क्या मुंह देख रहे हो, तुम भी ले लो। लो, आप मत खाइएगा बाजी। अरे तुम मेरी फिक्र छोड़ो, लो बहुरानी ले लो। लो बेटा, कोई बदपरहेजी नहीं है बाजी। अरे यार, आज खुशी का दिन है बेटा, जरा पकड़ना। मिठाई तो चलेगी। भाई मुबारक हो। रुके, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐ देखो साडे घर दे टॉम एंड जीरी। या अल्लाह, तेरे शुक्र सारे सेट हो गए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? जी दादी बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या आफत आन पड़ी है जो ये फैसला ले लिया है? अरे थोड़े दिन की तो बात है, और नाजिया को घर की बहुत याद आ रही थी, तो हमने कहा चलो कुछ दिन रहने चले जाते हैं। बेटे अव्वल तो वो नाजिया का घर नहीं है। अरे नहीं 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 दादी, ये बात आपने गलत की है। घर वही होता है जो याद आए, और नाजिया को वही घर याद आ रहा था, इसलिए उसका वही घर है। जानी, नाजिया का घर कौन सा दूर है, नीचे ही तो है, वो जब चाहे जा सकती है। तुम्हें क्या जरूरत है वहां जाके रुकने की? अरे मेरा ससुराल है वो। इसको समझाना ऐसा ही है जिसे रिक्शे में ऊंट को बिठाना है। जाओ, अगर रुबीना अंदर आने की इजाजत दे तो तमीज से रहना। जी दादी बिल्कुल ठीक है, चलो। अम्मा जान ये नादिया से खाती है इसे। अरे भाई करने दो जो करते हैं। हेलो सारा, कैसी हो तुम? जब फ्री हो छत पर जरूर आना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तेरा क्या हाल है, कैसी गुजर रही तेरी इस जानी के साथ? जानी मेरा बहुत ख्याल रखता है। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बाल है। कौन सा शैम्पू लगाता है? अरे बीना खाला, सर पर हाथ रखने का कह रहा हूँ, शफकत का हाथ। अच्छा अच्छा, हाँ जिंदा रहे जिंदा रहे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। बैग में क्या तोहफे लाई है हमारे लिए? नहीं नहीं, कपड़े हैं। कपड़े हमारे लिए लाए कि बेचने के लिए? अरे बीना हाला, हम तो रुकने के लिए आए हैं। हाँ? हाँ? मैंने ही कहा था कि हम कुछ दिन रुकने के लिए चलते हैं।
आखिर ये भी तो मेरा ही घर है ना। नहीं नहीं। अरे भाई बहू रानी कौन आया है? साहब आया है। बच देखे कौन आया है? अरे नाजिया जानी बच्चों कैसे हो? बहुत अच्छी गल सुनो, रात की रोटी साढ़े नाल खाओ तो नसो, ऐसा तो ईमानदारी मैं नहीं सह सकती। नहीं नहीं बिना खाला, हम यहाँ पर रहने आए हैं, अब रह कर ही जाएंगे। अरे हाँ, और हमने तो ऊपर वालों को बता भी दिया कि हम रहने आ रहे हैं, तो आज ही वापस चले जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तुम आओ दियो फिर। देखिए अब्बा जी, तो हमारे सर पे वापस ही आ गए क्योंकि मैडम को हमारी याद आ रही थी। अरे रानी कोई बात नहीं भाई, नाजिया बेटी तुम्हारे आने से रौनक फिर शुरू हो गई इस घर की। तुम जब नहीं थी तो बिल्कुल रौनक नहीं। तो बस ठीक है दादाजी, आपकी घर की रौनक बहाल करने हम आ गए हैं। चले हाँ। तुम्हारे कमरे भी रहेंगे ना। हाँ। चलो चलो चलो। अरे भाई पूरा घर तुम्हारा। हाँ। जी। अरे पंजाब की चट्टी, दिल बड़ा करो भाई, हमारे बच्चे हैं, यही रहेंगे। हाँ, कोई और भी रह गया तो उन्हें भी बुला लो। अच्छा बात सुनो, मेरा मतलब है गल सुनो, चाय पिला दो। मुझे पता था वो खाने पीने की फरमाइश होगी। तुमने मैसेज किया था? हाँ। हैरियत कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? नाश्ता कैसा था? नाश्ता तो काफी अच्छा था। वो जैन की स्टोरी देखी थी। तुम जैन को फॉलो कर रहे हो? नहीं, वो पब्लिक अकाउंट है ना, कोई भी देख सकता। यानी तुम जैन को स्टॉक कर रहे थे? नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि वो कैसा लड़का है। ज़ैन बहुत अच्छा है। तुम कह रही हो तो अच्छा ही होगा। खैर क्यों बुलाया, क्या बात करनी थी? वो तुम्हें बताना था कि मेरी जॉब लग गई है, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग फर्म है। तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। थैंक्स। और सैलरी ज्यादा है? ऑलमोस्ट डबल। दैट्स ग्रेट। चलो अच्छी बात है, हम दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। तुम्हारा करियर बन गया और मुझे ज़ैन बन गया। ये क्या हुआ? अब वो हाथ से स्लिप हो गई। खैर अब मुझे मुझे नहीं पीनी थी, मेरा मेरा मूड नहीं था। तुम खुश हो? मेरा मतलब है कि तुम इस जॉब से खुश हो? परेशान हूं। क्यों? शायद तुम्हारे जाने का सोच सोच कर। तुम यहां से चली जाओगी, ये बात ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। टाइम क्या हो रहा है? ओ, तो बहुत लेट हो गया है, मेरा कल सुबह ऑफिस भी है। लेकिन कंग्रेचुलेशंस, मैं वाकई बहुत खुश हूं। यहां से चली जाओगी, ये बात ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा।
हूँ।